हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस फाइव इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड विद ईच लाइन आई विल एक्सप्लेन सम अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्पेशल वीडियो फॉर योर एग्जाम, सो डोंट मिस दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पांच ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, लाइन्स प्रत्येक लाइन के साथ मैं उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरली राइटर से रिलेटेड मैं उनकी चर्चा करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, इस समय आपको सिर्फ चर्चा ही करना चाहिए ताकि आपको चीजें याद हो, न कि वो बोझ बने। तो ये जो सेशन होगा आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपके सामने लिखा है कि इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम पोएट्री अपकमिंग 12th बोर्ड एग्जाम 2022 BSEB। दोस्तों, इसके पहले मैं एक पार्ट वन इसका अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको पोएट्री का जो लाइन है उसको पढ़ना है। यदि आपको पता है कि वो किस कविता का है, उसको किस राइटर ने लिखा है, तो आपको क्या करना है, बस कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। और नहीं पता है तब भी आप हम बताएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो दोस्तों, आपके सामने पोएट्री का पहला लाइन आ चुका है, आपको क्या करना है, बस ये बताना है कि इसको किस कविता से लिया गया है, इसको किस राइटर ने लिखा है। तो आपके सामने लाइन आया है कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। तो दोस्तों, यदि आपको याद होगा, यदि आप पोएट्री का अध्ययन किए हैं, पोएम को अच्छा से पढ़े हैं, तो ये जो पोएम है इसको लिया गया है द सोल्जर से। कहां से लिया गया है, द सोल्जर, याद रखिएगा, इसको लिया गया है द सोल्जर से। इसके जो रचनाकार है, इसके जो रचनाकार है रूपर्ट ब्रूक है। कौन है दोस्तों, रूपर्ट ब्रूक। दोस्तों, वीडियो के इत्मीनान से देखिएगा, मैं आप ही की काम की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में मदद करेगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों आपके लिए। इसके रचनाकार हैं रूपर्ट ब्रूक। दोस्तों, रूपर्ट ब्रूक का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, जन्म से भी सवाल आ रहा है आपके एग्जाम में, 1887 में हुआ था। जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1887 में हुआ था। और इनकी मृत्यु, काफी दिलचस्प है पॉइंट, 1915 में हुई थी, याद रखिएगा, अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती समय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और किस चीज से हुई थी, तो याद रखिएगा, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, सेप्टिकेमिया, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, इनकी मृत्यु किस चीज से हुई थी, तो सेप्टिकेमिया से हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा कि किसी भी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो जिस प्रेपोजिशन का प्रयोग कर किया जाता है वह ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम बात करेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। दोस्तों, आप नोटबुक करते चलिएगा, जो भी चीज आपको मालूम नहीं हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे तो आपको इन सवालों का इम्पोर्टेंस मालूम चलेगा। दोस्तों, ये जो सोल्जर है, यदि हम बात करें कि यह किस प्रकार का पोएम है, तो यह एक सोनेट है। क्या है दोस्तों, यह एक सोनेट है। सोनेट भी एक कविता का प्रकार होता है दोस्तों। इसको 14 लाइन्स में लिखा जाता है, 14 लाइन्स में। दोस्तों, 14 लाइन्स को हम दो भाग में बांटते हैं, 8 और 6 के पार्ट में, और इसे बोलते हैं हम ऑक्टव, इसे बोलते हैं हम सेस्टेट। तो इतना आगे तक नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, बस आपको याद रखिएगा कि 14 लाइन के पोएम को क्या कहते हैं, तो सोनेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 लाइन के पोएम को क्या कहते हैं, सोनेट। इसके अलावा इस कविता को हम बोल सकते हैं वार पोएम। क्या बोल सकते हैं, वार पोएम।
वार पोएम के अलावा इसे आप पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं दोस्तों, पैट्रियोटिक पोएम, क्या बोल सकते हैं, पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्त कविता। अब दोस्तों जो इसके राइटर थे वह क्या करना चाहते थे, वह पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट है, जो रूपर्ट ब्रूक से संबंधित आपको जानना है, जो आपके सवाल परीक्षा में दोस्तों पहले सवाल आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो आपको कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, आपको जो पढ़े हैं वही डिस्कशन करना है। आपके जो रूपर्ट ब्रूक है, याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक दोस्तों, यह एक वार पोएट थे। क्या थे? वार पोएट। इन्हें हम पैट्रियोटिक पोएट भी बोल सकते हैं, देशभक्त कविता भी बोल कवि भी बोल सकते हैं, पोएट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पोएट होगा। तो याद रखिएगा कि रूपर्ट ब्रूक जो थे ये इंग्लैंड के थे, इनकी नेशनलिटी भी याद रखिएगा, यह इंग्लैंड के थे और अपने देश के सेनाओं में देशभक्ति की, पैट्रियोटिज्म की भावना को इंस्पायर करने का वो प्रयास करते हैं इस कविता की माध्यम से। जो कविता है आपका, ये सॉनेट है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आप, याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपके सामने है कविता का दूसरा लाइन, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि यह किस कविता का लाइन है। यदि नहीं पता है तो आराम से वीडियो को देखिए और एक नोटबुक अपने तैयार कर लीजिए। ही जो पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसकी जो हवा में तैरने और उड़ने की क्षमता है को क्या कर सकता है, एक फकीर को भी, जो एक खुद मैजिकल पावर से भरा होता है, जादुई शक्तियों से उत्प्रोत होता है, उसे भी हैरान कर दे, उसे भी एस्टोनिश कर दे। तो दोस्तों इस कविता को लिया, इस पोएम, इस लाइन को लिया गया है आपकी कविता मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट, मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट, मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट। दोस्तों ये जो पोयम है, पहले इसी के बारे में बात करते हैं, इसको सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है और इस वर्ष इस सवाल के आने की प्रबल संभावना है कि मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट को कहाँ से लिया गया। तो याद रखिएगा इसको, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं। इसको लिया गया है दोस्तों ओल्ड पोजुम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो दोस्तों इसको लिया गया है, टीएस इलियट कहीं कविताओं का एक संग्रह है कि ओल्ड पोजुम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहा जाए कि यह कैसा पोएम है, तो यह एक लाइट पोएम है, याद रखिएगा इट इज अ लाइट पोएम, एक छोटी सी कविता है, रिटेन इन, किस वेन में लिखा गया है, रिटेन इन मॉक हीरोइक वेन, याद रखिएगा लाइट पोएम है और इसको लिखा गया है मॉक हीरोइक वेन में लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये हमारा जो लाइन है कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर स्टेयर, इसको किस कविता से लिया गया है, तो मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। और इस जो कविता है इसको एक कविताओं का संग्रह है ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, वहां से लिया गया। और ये क्या है, इट इज अ लाइट पोएम रिटन इन द मॉक हीरोइक वेन। तो अब दोस्तों बारी है राइटर के बारे में जानने का कि राइटर कौन है, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, उनको कौन कौन सी अवार्ड मिली थी। तो दोस्तों जितने भी हम पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं ना, वो बेहद आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। यदि आप सच में चाहते हैं कि आप अपने परीक्षा में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही बना लें, आपका एक भी गलत ना हो, तो इन वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ या इसके बाद एक दो जो वीडियो आएंगे आपके बिफोर एग्जाम, उसका एक भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो है आपके टी एस इलियट का है तो पूरा नाम थॉमस स्ट्रेंज इलियट।
दोस्तों थॉमस स्टेंस इलियट का जन्म हुआ था 1888 में। कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था एसटी लुइस लुइस मिसौरी, LOUIS लुइस मिसौरी, ठीक है। द लेटर माइट बी हियर एंड देयर। यूएसए में इनका जन्म हुआ था लेकिन यह इंग्लैंड में जाकर बस गए, ठीक है दोस्तों। यदि इनके हम धर्म की बात करें तो यह थे एंग्लो कैथोलिक। क्या थे दोस्तों? एंग्लो कैथोलिक थे धर्म से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है इनकी हम अवार्ड की बात करें, क्या बात करें अवार्ड की, तो दोस्तों इन्हें 1948 में, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल प्राइज मिला था इन्हें 1948 में। इन 1948 ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और इनके वर्क्स की बात कर लें, इनके रचनाओं की बात कर लें, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, वो सबसे पहला है आपका द वास्ट लैंड। द वास्ट लैंड। उसके बाद है दोस्तों एज वेडनेसडे, एज वेडनेसडे, ठीक है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, द वास्ट लैंड, एज वेडनेसडे। और ये जो राइटर है ना दोस्तों, याद रखिएगा, 20th सेंचुरी के एक महान पोएट, नोबलिस्ट, क्रिटिक, ड्रामेटिस्ट, ये सब ऑलराउंडर कहे इनको, टीएस इलियट को। तो दोस्तों ये था राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको एकदम पता होना चाहिए, इसमें कोई भी इफ बट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये लाइन है कि वो बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉकरी, माई फादर सेड टू मी। दोस्तों इसको किस कविता से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फायर हाइम। कहां से लिया गया दोस्तों? फायर हाइम से लिया गया है। इसके जो रचनाकार है केकी एन दारूवाला। कौन रचनाकार है दोस्तों? केकी एन दारूवाला। अब दोस्तों जो केकी एन दारूवाला है, इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जो केकी एन दारूवाला है, इनके धर्म से सवाल आ सकता है। तो दोस्तों इनके धर्म की बात करें तो जेरोस्ट्रियन थे, जेरोस्ट्रियन या पारसी भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह इंडियन पोइट थे भी, याद रखें। इनकी नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन है। और इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड और साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। कौन कौन से दो अवार्ड मिले थे दोस्तों? कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड और साहित्य एकेडमी अवार्ड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इनकी एक रचना है जो आपको याद रखिएगा, आ सकता है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। इनकी एक ही रचना आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किसका रचना है? तो केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला कहाँ के हैं? तो इंडियन है। और इनकी पोएट, इनकी धर्म क्या है? तो जेरोस्ट्रियन अर्थात पारसी। और कौन सा कविता पढ़ना है? तो फायर हाइम, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और वर्ड आता है टावर ऑफ साइलेंस, याद रखिएगा, टावर ऑफ साइलेंस इस कविता का है। साइलेंस, इट इज अ प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज ओनली केप्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अ पारसी या जेरोस्ट्रियन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगला लाइन है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। यहाँ पे दोस्तों आपको कविता का लाइन बताना है। तो ये जो लाइन लिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस लाइन को लिया गया आपके स्नेक पोएम से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? स्नेक से लिया गया है। इसके जो रचनाकार है वो है आपके डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। कौन है दोस्तों? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस।
दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों हुई थी 1930 में। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस पूरा नाम है इनका दोस्तों। अब दोस्तों डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक पॉइंट आप दो इनके वर्क्स की बात थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि इससे सवाल आ सकता है। एक बार आपके एग्जाम में आया था कि द रैनबो के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया था। द रैनबो तो इन्हीं की रचना है। उसके बाद है आपका दूसरा इनकी रचना जो इम्पोर्टेंट है, सॉन्ग्स एंड लवर्स। सॉन्ग्स एंड लवर्स। और तीसरी रचना है इनकी द व्हाइट पीकॉक। द व्हाइट पीकॉक। तो याद रखिए दोस्तों इनकी रचना की। और यहाँ पे एक सवाल बता दे रहे हैं कि सांप जो है वो कभी की तरफ कैसा देखता है, तो भेगुवली देखता है। याद रखिएगा भेगुवली अस्पष्ट रूप से देखता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले बताइए कि वो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। तो दोस्तों ये जो लाइन है इसको लिया गया है कमला दास की एक पोएम है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। दोस्तों यह भारतीय पोएटेस है, भारतीय कवित्री हैं, पोएट भी बोल सकते हैं। यह इन इसके जो रचनाकार हैं कमला दास है। कौन है दोस्तों? कमला दास। याद रखिएगा यह इंडियन पोएटेस है, ठीक है, इंडियन है। ये दो भाषाओं में रचना लिखती थी, इंग्लिश एंड मलयालम। इंग्लिश और मलयालम लिखती थी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। यदि आपको यह पोइट्री सेक्शन का दो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, दोनों में हम लाइन के साथ साथ उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रोज का भी वीडियो बना दूं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करके, तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।